क्या आपके चेहरे पर भी वो काली सी परत आ रखी है? पिगमेंटेड डेथ स्किन आपके नाक के अराउंड, आपके लिप्स के अराउंड, आपके चिन पर, फेस पर, कहीं कहीं पर एक्यूमुलेट हो रही है। जब भी मेकअप करते हैं तो वो एरिया अलग से दिखता है आपके साथ। अब इस फेस्टिव सीजन लहंगे से कॉन्ट्रास्ट में तो शक्ल होनी चाहिए ना, तो आइए कैसे आप वो फेस्टिव ग्लो अपने लिए अचीव कर सकते हैं आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मजा भी आएगा और फेस्टिव ग्लो भी। आइए जानते हैं कैसे। माय ब्यूटीफुल पीपल प्रेजेंट ओवर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। जल्दी से नीचे लिखकर बताइए कि फेस्टिविटीज की तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं, क्या ड्रेसेस डिसाइड हो चुकी हैं, घर की सफाई हो चुकी है, क्या आप अपने लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं, मम्मा पापा के लिए स्पेशल कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू गो थ्रू इट। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस परिवार का नाम है प्रीति प्रेरणा, मेरा नाम है प्रेरणा। यहाँ पर मैं अपने परिवार के साथ हफ्ते में 3 दिन बेहतरीन DIY रेमेडी शेयर करती हूँ, जिनसे आप अवगत नहीं मतलब अवगत होना चाहेंगे फॉर श्योर। इसलिए नीचे लाल रंग का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए और आप हमारे परिवार का एक खूबसूरत सा हिस्सा बन जाएंगे। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ बहुत ही आसान तरीके, जिनको फॉलो करके एग्जैक्टली सेम वे में आप अपने चेहरे के लिए एक ऐसा ग्लो प्राप्त कर सकते हैं ना कि बस यूज करके वापस आएंगे और कहेंगे कि भाई प्रेरणा हमने हमेशा इसको इस्तेमाल किया है पर इतना ग्लो तो हमारे चेहरे पर कभी नहीं आया। भाई पहले हम आपसे मिले नहीं थे ना, अब मिल चुके हैं, तो लेट्स सी व्हाट नीड्स टू बी डन। इस क्लीनअप को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने चेहरे को क्लीन करना है। ऑब्वियसली अब गंदे चेहरे पर थोड़ी ना हम शुरुआत करेंगे, तो क्लीन करने के लिए स्टेप बहुत ही सिंपल है। एक बोल में आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। कुछ कहूँ इसके बारे में, नॉट रिक्वायर्ड, मेरा पूरा परिवार जानता है कि इससे बढ़िया क्लेंजर कोई है ही नहीं। आप चाहें तो अपने एग्जिस्टिंग फेस वॉश को चैलेंज कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसमें आपको मिलाना है पानी, गुलाब जल या दूध, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। अच्छा सा एक बहुत ही लिक्विडी पेस्ट बनाइए और अपने पूरे चेहरे पर लगाकर इसे अच्छे से साफ कर लीजिए। मेक श्योर कि आप हर कॉर्नर ऑफ योर फेस, कई बार बहुत ज्यादा स्कल्प्टेड फेस होता है तो कुछ कुछ पोर्शंस को हम जस्ट रैंडमली ले लेते हैं, लेकिन वो हमें नहीं करना है। एवरी निक एंड कॉर्नर ऑफ योर फेस आप उसको क्लीन करेंगे प्रॉपरली और उसके बाद अच्छे से स्प्लैश करके, पानी वेस्ट करके नहीं, स्प्लैश करके खाली, और अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इस स्टेप के बाद ही आपके चेहरे पर जो ऊपरी परत पर जितनी भी परेशानियां होती हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ऑयल होता है, जो भी चीजें होती हैं वो हट जाती है। डन। इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है एंड दैट इज एक्सफोलिएशन। अब आप लोगों को ये समझना होगा कि एक्सफोलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर प्रकार की स्किन के लिए। हमारी तो डेथ स्किन है, हमें जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका स्किन टाइप चाहे जो भी हो, आपको एक्सफोलिएशन अपनी स्किन के लिए करनी चाहिए। अब एक्सफोलिएशन 2 प्रकार की होती है। एक होती है केमिकल एक्सफोलिएशन, जिसमें आप कुछ पदार्थ यूज करते हैं, अपनी स्किन पर लगाते हैं और वो डेथ सेल्स और जितनी भी परेशानियां होती है उनको लेकर हट जाता है। दूसरा होता है मैकेनिकल या फिजिकल मेथड। ये वो लोग फॉलो करते हैं जिनकी स्किन होती है ऑयली या फिर बहुत ही मोटी चमड़ी होती है, कहावत वाली नहीं, एक्चुअल में जिनकी स्किन काफी थिक होती है, उन लोगों को मैकेनिकल मेथड यूज करना होता है। अब ये कैसे किया जाए? इस स्टेप के लिए आप लोगों को सबसे पहले लेना है पोटैटो, जी हाँ आलू। आप सभी जानते हैं किसी भी प्रकार का पिगमेंटेशन आपके चेहरे पर है, आलू कुड बी जस्ट द सोल्यूशन। इसलिए अच्छे से इसको पील ऑफ करके धो लीजिए और ग्राइंड करके एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। डन। जूस भी इन्वॉल्व रहेगा, जस्ट डोंट वरी। और इसको आप लेकर अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा लेंगे एंड लेट इट बी। ये तो हो गया केमिकल एक्सफोलिएशन, क्योंकि पोटैटो के अंदर जो जूस होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, इन सभी चीजों पर काम कर सकता है। अगर आप कोई ऐसे जन है जो कि पोटैटो जूस के लिए या तो एलर्जिक हैं या कंफर्टेबल नहीं है कि भाई हम इतना गड़म चगड़म नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग मार्केट बेस्ड उन प्रोडक्ट्स का चयन कर सकते हैं जिनमें होता है रेटिनॉइड्स, विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, इन सभी चीजों का चयन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन को एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सफोलिएशन भी प्रोवाइड करते हैं और इवन टोन भी देते हैं। जी हाँ, अगर आपके चेहरे पर अनइवननेस रहती है या फिर किसी भी प्रकार का डार्क स्पॉट्स रहते हैं जिनसे आप निजात पाना चाहते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स का चयन आप अपने लिए कर सकते हैं। ओवर एक्सफोलिएशन कभी भी नहीं करना चाहिए, यह आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स दे देता है। इसीलिए सोच समझकर जब रिक्वायरमेंट है सिर्फ तभी इन चीजों का चयन करें।
मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए थोड़ा सा विजिलेंट और थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई आपको अवश्य करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई नेचुरल रेमेडी के एंथुजियास्ट हैं और कंफर्टेबली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं तो पोटैटो जूस सबसे अच्छा विकल्प है यहाँ पर। इसके बाद जब ये अच्छे से अंदर चला जाएगा, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी ऑयली स्किन है या फिर स्किन बहुत थिक है जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वो आसानी से बाहर नहीं आ पाते। आप लोगों को जब ये अच्छे से सूख जाए, इसके बाद एक बोल में लेना है एक चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। नहीं है तो आप चावल को पीस के और फिर छान कर ले सकते हैं। याद रखिएगा ये कच्चे चावल का आटा है, इसीलिए ये सॉफ्ट किसी भी माध्यम पर नहीं होगा, आपको बहुत जेंटली एक्सफोलिएशन करना है। इसमें आप ले सकते हैं दोबारा से या तो पानी, या तो गुलाब जल, या तो दूध, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हैं। एक अच्छा सा पेस्ट बना के आप पोटैटो जूस के ऊपर ही इसको बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, किसी भी प्रकार का प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होगा, आप इसको अच्छे से मसाज करते हुए हटा देंगे, एज एन वॉश ऑफ कर देंगे। प्लीज़ मेक श्योर कि थोड़ा सा भी प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप अपनी स्किन को रगड़ सकते हैं। ऑब्वियसली वी डोंट वॉन्ट दैट। अच्छे से चेहरे को साफ करने के बाद आपको दिखेगा आपके चेहरे पर वो फेस्टिव ग्लो का ग्लिम्स आपको दिख जाएगा, आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स अभी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं वो आपकी स्किन को ड्राई कर सकते हैं, इसीलिए एट द एंड बिल्कुल सारी चीज़ें कर लेने के बाद आपको अपने चेहरे को मॉइस्चराइज अवश्य करना है। इसके बाद आप अगला स्टेप करेंगे एंड दैट इज योर फेस पैक। देखिए आपने हर क्लेंजिंग कर ली, एक्सफोलिएशन कर लिया, मसाजिंग हम यहाँ नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर हम लिटरली आपकी स्किन से वो सारे के सारे एलिमेंट्स हटा रहे हैं। मसाज करने पर ऐसा कई बार होता है कि डिपोजिशन फिर से हो जाता है जो कि हम नहीं चाहते, इसीलिए अब यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छा सा ग्लोइंग मास्क अपने चेहरे पर लगाएंगे, जिसके लिए आपको चाहिए फिटकरी का पाउडर। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो आपके साथ शेयर करी है फिटकरी को लेकर, जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, बिकॉज मेरी जनता जानती है कि ये कितना पावरफुल है आपके लिए और कितना अच्छा ग्लो आपकी स्किन को दे सकता है। फॉर द फेस पैक आपको एक बोल में दोबारा से एक बिल्कुल आधे चम्मच जितना लेना है फिटकरी का पाउडर। आप देख सकते हैं फिटकरी का पाउडर कितना ज़्यादा चमकीला और कितना खूबसूरत होता है। और इसमें आपको लेना है गुलाब जल। जी हाँ, आपकी स्किन टाइप कोई भी हो आप गुलाब जल ले सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप एलर्जिक हैं, जैसा कि कुछ लोग लिखते हैं कि गुलाब जल से हम एलर्जिक हैं, तो आप इसमें ले सकते हैं लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक इज वेल, या फिर आप इसको बिल्कुल एलिमिनेट करके पानी ही ले सकते हैं। डन, अच्छे से मिक्स करके रगड़ना नहीं है, जस्ट पुट इट ऑन योर स्किन एंड लेट इट बी। अच्छे से पूरी स्किन पर लगाकर आप इसको रहने देंगे अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट, दैट इज सफिशिएंट, और उसके बाद आप अपने चेहरे को वॉश ऑफ कर देंगे। हमने यहाँ राइस फ्लावर का इस्तेमाल किया है, हमने यहाँ फिटकरी का इस्तेमाल किया है, हमने ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये डिहाइड्रेटिंग होते हैं, लेकिन ये आपके चेहरे को चमक देते हैं, ग्लॉस देते हैं, एक इफेक्ट देते हैं जो कि आपकी स्किन टोन से काफ़ी ज़्यादा लाइटर होता है, एंड यू आर ऑब्वियसली हैप्पी। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी स्किन को मॉइस्चराइज अवश्य करना है, ये चॉइस नहीं है। मैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में, बहुत सारी रेमेडीज़ में आपको कहती हूँ कि अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ आपको मॉइस्चराइज करना ही पड़ेगा बिकॉज आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा खिंची खिंची आपको महसूस होगी। तो इसीलिए अगर आप कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं और इस रेमेडी को चाहते हैं कि कुछ समय तक आपको वो यू नो ग्लो एंड चार्म एंड ग्रेस दिखती रहे, तो आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे विद अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर, जिसके लिए भी आप काम, आप एलोवेरा जेल के लिए कंफर्टेबल हैं आप उसको लगाइए, आप DIY मॉइस्चराइजर मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है आप उसको यूज कर सकते हैं, आप जिस भी मार्केट बेस्ड मॉइस्चराइजर के लिए भी कंफर्टेबल है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। प्लीज़ मैं अपनी जनता को अपडेट करना चाहती हूँ, एडुकेट करना चाहती हूँ कि नेचुरल रेमेडीज़ और मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स का एक सही संतुलन आपको बनाकर हमेशा रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नेचुरल रेमेडीज़ करेंगे, हम तपस्या ले रहे हैं और ऐसा नहीं, दिस इज़ नॉट द वे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप नहीं भाग सकते इस चीज़ से, ये हमारा लाइफ स्टाइल है, ये नेसेसिटी हो चुकी है हमारे आस पास, इसीलिए कंफर्टेबली दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाइए एंड एन्जॉय द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, नेचुरल रेमेडीज का भी और प्रोडक्ट्स का भी। इसीलिए जो मॉइस्चराइजर के लिए आप कंफर्टेबल हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद थोड़ा सा गैप दीजिए ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके आपकी स्किन पर और आपकी स्किन रेडिएंट हो सके, ग्लॉसियर हो सके, शाइनियर हो सके, मतलब इतने सारे एडजेक्टिव्स मैं बता सकती हूँ। और अगर कुछ एडिशनल एडजेक्टिव्स आपको समझ में आते हैं इस यूजेज के बाद तो नीचे आकर हमें अवश्य बताइएगा कि भाई प्रेरणा
कमाल हो गया, कमाल तो डेफिनेटली होने ही वाला है, बस हमें इतना बताइएगा कि आपकी कमाल की इंटेंसिटी कितनी थी, ताकि परिवार के बाकी लोग जो कि रिजल्ट्स देखने के बाद ही ट्राई करते हैं उनको कॉन्फिडेंस मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं ये लंबे सस्टेन करें, इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, किसी भी अगड़म शगड़म प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें और सनस्क्रीन SPF 30 एंड अबव ही इस्तेमाल करें। आपको ये रिजल्ट्स बहुत लंबे समय तक मिलेंगे, आप काफी खुश रहेंगे। और हमारा ये जो नई आने वाली फेस्टिविटीज हैं ये भी तो 5 दिन की होने वाली हैं, तो 5 दिन तक आपका ग्लो सस्टेन करने वाला है और आप जम के एंजॉय करने वाले हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, सो डू एंजॉय द रेमेडी फॉर योर सेल्फ, सारी फेस्टिविटीज एंजॉय कीजिए, पर वापस आके हमें अवश्य बताइएगा कि आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये रेमेडी कैसी रही। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल फॉर योर हेयर स्किन एंड हेल्थ। तब तक के लिए कीप एंजॉइंग द फेस्टिविटीज और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए। आई लव यू ऑल, टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।